वेलकम बैक ट्रेंडी सोनी ऑफिशियल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ये वीडियो जो है जो पतले बॉर्डर वाली साड़ी के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पेटीकोट को सेट कर लिया है और ये है हमारी साड़ी। साड़ी हमारी है ऑरेंज कलर की, हल्के कलर में है और इसकी बॉर्डर है हैवी। तो साड़ी बहुत ही प्यारी है, पहनने के बाद और भी इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमें सिंपल ही साड़ी पहनने हैं लेकिन थोड़ा फैशनेबल लगेगा। तो पहले हमें साड़ी को टक कर लेना है। हमें फर्स्ट राउंड है थोड़ा ऊपर करके ही टक करना है क्योंकि इस साड़ी की बॉर्डर है जो हैवी है, इसीलिए थोड़ी भारी है। तो ये अपने आप थोड़ी देर पहनने के बाद नीचे आ जाएगा। तो हमें बराबर मात्रा में हमें यहाँ टक करना है। यहाँ अच्छे से हमने टक कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं पीछे थोड़ा हल्का नीचे तरफ से ही रहे तो ठीक रहेगा, आगे थोड़ा ऊपर करके ही पहनना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से अगर मुझे बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती तो आप लोग देख के समझ जाइएगा, जो मैं नहीं बोल पाऊँगी वो आप देख। यहाँ पे हमें पल्लू में है जो बॉर्डर को दोनों का इस तरीके से हमें फोल्ड करके यहाँ पे इसकी लेंथ देख के यहाँ पे पिन लगा देनी है। यहाँ पिन लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये किस तरीके से, इस तरीके से हमें इसकी डिज़ाइन जो है जो ऊपर आएगी बॉर्डर। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से प्लेट्स, दो तीन प्लेट्स हमें बन जाएगी। इस हिसाब से हमें यहाँ पिनअप कर लेनी है। तो बॉर्डर को जॉइंट करके यहाँ पे हम लोग का जो पल्लू बनेगा, तो यहाँ पे भी हमें प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स बड़ी छोटी बना सकते हैं क्योंकि इसकी बॉर्डर जो मिल गई है तो चौड़ी ही हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी कंधे पे बॉर्डर चली जाएगी तो ये दिखने में और भी प्यारा लगेगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे पिन लगा लेनी है और इसे अभी सेट नहीं करना है, इसे अभी हम ऐसे ही कंधे पे सिर्फ रख लेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा और नीचे हमें यहाँ पे पिन लगाएंगे तो और भी सुंदर लगेगा, जैसे कि बॉर्डर इसकी बहुत चौड़ी लगेगी, बहुत ही सुंदर लगेगा। यहाँ पे भी हमें एक पिन लगा लेना है। यहाँ अच्छे से हमें पिन लगा लेने के बाद इसे हमें कंधे पे इस तरीके से इसे रख लेना है। इसकी हमें लेंथ चेक कर लेनी है क्योंकि इस हिसाब से रखना है। इसकी बॉर्डर जो होगी वो थोड़ी नीचे करके ही रखेंगे। यहाँ पे हमें इसकी जो बॉर्डर है वो आगे ला के यहाँ पर अपने हिसाब से टाइट फिटिंगली यहाँ पर पिनअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो फैब्रिक बची है उसे हमें प्लेट्स बनानी है। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं प्लेट्स बना रही हूँ मैं, आप लोगों को भी इसी तरीके से बनाना है तो प्लेट्स बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे टक कर लेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे प्लेट्स जो होगी वो प्लेट्स को हमें पीछे वाली जो प्लेट्स है उसे हमें ऊपर की तरह खींचनी है ताकि नीचे से हमें वो जो प्लेट्स होगी वो दिखेगी नहीं और भी सुंदर आएगा। तो इसे वन बाय वन हमें यहाँ प्लेट्स को अरेंज करेंगे और इसी तरीके से थोड़ा ऊपर करके ही, ऊपर खींच के ही हमें यहाँ टक करनी है क्योंकि वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। इसकी बॉर्डर थोड़ी हैवी है तो ये अंदर वाला जो प्लेट्स होगा बॉर्डर उसे हमें यहाँ टक कर लेनी है। इससे हमें टाइट फिटिंग अच्छी आएगी, लुक इसका अच्छा आएगा। और यहाँ पर हमें प्लेट्स को वन बाय वन, ऊपर वाली जो प्लेट्स है उसे हमें नीचे की तरफ, थोड़ा नीचे ही रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हमें वन बाय वन यहाँ प्लेट्स को एक एक करके यहाँ अरेंज करेंगे और यहाँ एक हमें पिन कर लेनी है। पिन करने के बाद यहाँ पे जो हमने जो पल्लू बनाई थी पल्लू ऐसे ही नॉर्मली अपने हिसाब से यहाँ पर रख के और एक पिन यहाँ पर भी हम लगा लेंगे। यहाँ पिन लगाने के बाद हमारा लुक यहाँ हो जाएगा कम्प्लीट। तो आप लोग देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पिन लगा ली हूँ और यहाँ हमारा लुक रेडी है, कितना सुंदर आया है। जैसे साड़ी रेडीमेड हो इस तरीके से हमारा यहाँ पल्लू बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।